गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल माय सेल्फ अजीत साईनाथ गवारी और माय स्कूल ऑफ साइंस से एमएससी फिजिक्स थर्ड ईयर मैं भी पढ़ रहा हूँ. आज तो सर मेरा आने का यहाँ पे मूड नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज मेरा अभी मेंस का प्रिपरेशन चल रहा है. यूपीएससी की मेरी प्री क्रैक हो गई. सुपर. और मैं अपने मेंस एंसर राइटिंग में थोड़ा लगा हुआ था और टाइम का मैनेजमेंट अभी सबको पता है क्योंकि सब वेल एजुकेटेड हो रहे हैं और हो चुके हैं. तो फिर मैं यही अभी मुझे ये बोलना है कि मैं यहाँ पे आने वाला नहीं था और मेरा 100% मूड ही नहीं था कि मैं जाऊँ वर्कशॉप अटेंड करूँ. बट लेकिन मैम को मैं ही बोलता था. हमारे स्कूल ऑफ साइंस की जो मैम है एचओडी मैम विद्या मैम मिश्रा मैम उनको बोलते थे कि मैम ट्रेनिंग और प्लेसमेंट का कुछ नहीं हो रहा है क्या आपने बोला था. और फिर महीने जाओ तो फिर ये गलत बात. तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया आया. जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी वो पहले सेशन जो हुआ वहाँ पे मुझे कम लगी सर. बट लेकिन अभी जो सेकंड जो आपने फिर हमने आपने जो दिया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिला. और यूपीएससी एस्पिरेंट को कैसे है कि ज्यादा से ज्यादा जो मोटिवेशन मिलता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है. कि जब हम लाइफ में डिस्कनेक्ट होते तो डिस्कनेक्ट से हम रिकनेक्ट कैसे होते. ये आज आपने यहाँ पे साबित करके दिखाया और बताया कि डिस्कनेक्ट रिकनेक्ट कैसे. जैसे एग्जाम की चित्रांश ने बताया पूछा और वो भैया ने बोला कि नर्वसनेस सर कैसे. तो इससे यही मैं मुझे कुछ ज्यादा बोलना नहीं बट लेकिन जो मुझे चाहिए था वो मैं लेके जा रहा हूँ. और मेरे लाइफ में फर्स्ट वर्कशॉप था और इसके बाद आपका जहाँ पर भी वर्कशॉप रहेगा वो मैं अटेंड करूंगा. चाहे मैं कौन से कितने भी काम में क्यों ना रहूं लेकिन वो मैं करूंगा. एंड मुझे सर को देख के मतलब बहुत खुशी हुई. एक्चुअली मैं उन्हें पहले से जानती हूँ. सर को भी मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि सर भी मुझे जानते पर उन्हें मुझे क्लिक नहीं कर पाया वहाँ पे कि मैं कौन हूँ. तो मैंने सर से बात किया. सर मुझे जानते मुझे बहुत खुशी हुई. मैं उनसे एक्चुअली 7 ईयर्स बाद मिल रही हूँ और उनका सेशन मुझे इतना अच्छा लगा कि बहुत मोटिवेशन मिला उनके सेशन से मुझे. कि इंटरव्यू में कैसे जैसे सर ने एक क्वेश्चन बताया कि अपना नर्वसनेस कैसे निकालना चाहिए. तो वो क्वेश्चन मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा सुन के और जो सर ने पूरा मोटिवेट किया मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे. थैंक यू. Very proud. I'm feeling very proud, privileged, pleasure actually to be here for 3 days. I'm coming from a background of online to offline. It's almost like 1.5 years that we have gotten trapped into online, and I've always wanted to come to offline. I was thrilled to get this opportunity the moment I heard from Tushar sir that I am the one, chosen one for this. Now, the excitement was that employability is something which comes as second nature to me. I call myself as an expert, that's the reason there is an expert written there. I am writing a book which will be published soon. What I saw the day one was, honestly, it was not in line with what I thought. I thought that 2.5 hours, one particular batch, and then the second half, it will be the second batch, third batch, fourth batch. But then due to some, uncertainty of life is always felt when you face life. So likewise, I happened to witness something which was unplanned. But then kudos to the entire team of Saikheda, especially Dean TNP. And ma'am, that moment you said that there is more to what you see through your naked eyes that you need to meet here. Now I know, coming here, understanding the agenda of what Saikheda needs at this point. Let me tell you ma'am, that before coming, we went through the curriculum of first year, second year and third year. Variety of, skill sets plan, very different for different students of different streams. But now I will go back. We'll streamline our effort and give you something which is need of the student. Good that this happened in time. Otherwise, if
मैं वहीं रहता और वहां से ही काम करता तो शायद मैं अंधेरे में तीर चलाता। वो नहीं हो रहा है, इसीलिए मैं शायद एक क्राइम से बच रहा हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि मैंने जिन बच्चों के साथ में इंटरेक्ट किया, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, नेसेंट हैं, नाइव है, इन लोगों को शायद वर्कशॉप और सेमिनार का एक्सपोजर नहीं है, तो मेरी तरफ से जो हो सके मैं करूँगा और मैं यहाँ वापस आना चाहूँगा। आप बुलाएंगे मैं आऊँगा, मेरा काम है ट्रेनिंग देना। इसके अलावा आपका आखिरी बच्चा है यहाँ, अब ये आपका नहीं है, मेरा बच्चा है। हर एक बच्चा जो यहाँ पर मेरी मदद चाहता है, खुशी से चाहता है, विलिंगली चाहता है, तो मैं वो दूंगा। इस जज्बे के साथ मैं आप सबके लिए मेरी तरफ से ताली बजाता हूँ। थैंक यू सो मच।